नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में बिहार पुलिस फायरमैन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 मिक्स क्वेश्चंस कराने वाला हूं और सभी क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार कर दिया है और प्रत्येक प्रश्न का जवाब सोचने के लिए आपको 3 सेकंड मिलेंगे। ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज सेलिब्रेटेड अर्थ डे इन द वर्ल्ड। आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 22 अप्रैल। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है पहली बार पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था 1970 में। और आपको यह जरूर ध्यान रखना है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, हर साल 22 अप्रैल को। और पहली बार मनाया गया था 1970 में। और पहली पृथ्वी दिवस को कौन सा श्रेय दिया जाता है? आधुनिक पर्यावरण आंदोलन शुरू करना। आधुनिक पर्यावरण आंदोलन शुरू करने का क्या कारण है? दुनिया भर में पर्यावरण आंदोलन को विविधता, शिक्षित और सक्रिय करना है। क्वेश्चन नंबर 2, कितने ग्रीन हाउस गैस हैं? हाउ मेनी ग्रीन हाउस गैसेस आर देयर इन द वर्ल्ड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6। तो ध्यान रखना है कुल मिलाकर ग्रीन हाउस गैसों की संख्या 6 है, ठीक ना। अच्छा, ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज किसके द्वारा की गई थी? जोसेफ फूरियर के द्वारा। कब? 1824 ईस्वी में। ग्रीन हाउस गैसों को याद करने के ट्रिक मैं आपके लिए तैयार कर दिया हूँ। ट्रिक है, एक लड़की का नाम है मीना, ठीक ना। ओ मीना, कल काजल लगाना, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे हर लड़की अभी कल के ज़माने में जो है काजल जरूर लगाती है, तो आप इस तरह से याद रखिएगा, ओ मीना कल काजल लगाना। इसी तरह से आप का 6 ग्रीन हाउस गैसों की संख्या जो है याद हो जाएगी और उनका नाम भी। ओ मीना कल काजल लगाना। ओ से हो जाएगा ओजोन, मी से हो जाएगा मिथेन, ना से हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, कल से हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, का से हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल से हो जाएगा जल बाष्प। हो गया ना। ओ मीना कल काजल लगाना। लगाना इसमें जो है साइलेंट रहेगा, इतना ही काफी है। ओ मीना कल काजल लगाना हम शांत कर दिए हैं क्योंकि ये आपको याद करने के लिए लगा दिया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस धातु का सबसे अधिक गलनांक होता है? सही जवाब यहां पर क्या होगा, आप बताइए। किस धातु का सबसे अधिक गलनांक होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि सबसे कम गलनांक किसका होता है, तो देखिए हीलियम है। हीलियम वह रासायनिक तत्व है जिसमें सबसे कम गलनांक होता है और सबसे अधिक गलनांक टंगस्टन में होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर। आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरेडिटी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी जीन। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? ध्यान रखें, उच्च न्यायालय का मतलब होता है हाई कोर्ट, ठीक ना। हाई कोर्ट सबसे पुराना भारत का कौन सा है, उसका नाम आपको बताना है। एक देश में एक होता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन यहाँ पे एक राज्य में जो हाई कोर्ट होता है वो भारत का सबसे पुराना कौन है? कलकत्ता हाई कोर्ट, यानी कि कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है। कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1862 को। उसके बाद बम्बई हाई कोर्ट, यानी कि मुंबई, जो कि आजकल का ख्वाबों का शहर है, ठीक ना। ख्वाबों में बसने वाला शहर यही है मुंबई। मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 14 अगस्त 1862 को की गई थी। और मद्रास उच्च न्यायालय, जिसे आजकल चेन्नई उच्च न्यायालय भी कहा जाता है, यह 15 अगस्त 1862 को इसकी स्थापना की गई थी। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय, यानी कि प्रयागराज, जिसका नाम अब बदल कर दिया गया है प्रयागराज हाई कोर्ट की स्थापना जो है 11 जून 1866 को की गई थी। सबसे पुराना कौन है? कलकत्ता हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 6, अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक से इनमें से कौन सा नदी निकलती है? भाई साहब, यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। तो देखिए, नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितना है? 1289 किलोमीटर, यानी कि 1289 किलोमीटर। और नर्मदा जो है अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। वैसे भारत की राष्ट्रीय नदी कौन है? गंगा। और गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टिक्का रोग किससे संबंधित है? टिक्का रोग आप देख सकते हैं पत्ता में इस तरह से ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये है टिक्का, इसे हिंदी भाषा में कहा जाता है। टिक्का रोग किससे संबंधित है, यानी कि किस चीज़ में टिक्का रोग होता है, ये पौधा वाला है, तो ये होगा आपका टिक्का रोग जो है मूंगफली में होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8, जाइलम का क्या कार्य है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम। जाइलम का मुख्य कार्य जल संवहन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब है। जाइलम जो है पौधों में जल और कुछ पोषक तत्वों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 9, एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है। एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। वैसे सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है, नींबू में, ठीक ना, और विटामिन सी के अच्छे स्रोत जो है ताज़े फल और सब्जियां हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नींबू में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट है 10, ठीक ना, कौन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल इसमें कौन है, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पानी का उबलना। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन, दोनों में अंतर किया है। भौतिक परिवर्तन में वह परिवर्तन जो पहले वाला अवस्था में था और पुनः परिवर्तन हो जाए उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। उदाहरण समझिए, जैसे पानी से बर्फ़ बनना, पानी को हम लोग फ्रिज या फिर कहीं में रख करके उसको बर्फ़ बना सकते हैं, लेकिन बर्फ़ को फिर बाहर निकालेंगे तो वो पिघल कर क्या बन जाएगा, पानी। यानी कि जैसे पहले था वैसे वो फिर बाद में हो जाएगा, उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, वह परिवर्तन जो पहले वाला अवस्था में पुनः परिवर्तित ना हो पाए। जैसे कि कोई भी फल है, जैसे कि अभी आम का सीजन है, अगर कच्चा आम एक बार पक गया तो यह फिर पका हुआ आम कभी कच्चा हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बल की SI इकाई क्या है। बल मतलब ताकत, फोर्स, ठीक ना, फोर्स का SI यूनिट क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। और इनके अलावा कुछ और SI आपसे पूछा जा सकता है। बल और वजन का हो जाएगा न्यूटन, विद्युत चालन का हो जाएगा सीमेंस, जिसे S से सूचित किया जाता है, चुंबकीय प्रभाव का हो जाएगा वेबर, ऊर्जा कार्य हीट, इनका SI यूनिट को क्या हो जाएगा, जूल। क्षमता, क्षमता मतलब हो जाएगा कैपेसिटी, कैपेसिटी का क्या हो जाएगा, फैराड, जिसे F कहा जाता है। और विद्युत क्षमता जिसे वोल्टेज कहते हैं, इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट, और वोल्ट को भी से सूचित किया जाता है। रेडियोधर्मिता का क्या हो जाएगा, बेक्यूएरल, BQ के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12, उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं। इसे कहते हैं खाद्य श्रृंखला। ऑप्शन नंबर ए, खाद्य श्रृंखला मतलब एडिबल सीरीज। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। वैसे प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन आपको कभी कभी इस तरह का प्रश्न पूछ लेता है। राष्ट्रीय वृक्ष भारत का है आपका बरगद, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। तो देखिए, आपसे ये पूछा नहीं जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है, तब आप फंस जाओगे बाबू। तो ध्यान रखना है, बरगद के वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है फिकस बेंगालेसिस, ठीक ना, क्या नाम है, फिकस बेंगालेसिस। और बरगद का वृक्ष भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है, और भारत में पीपल और बरगद का पूजा किया जाता है। वैसे आप जानते हैं कि भारत की महिला जो है पीपल और बरगद का काफ़ी ज़्यादा पूजा करते हैं। बरगद को घरेलू भाषा में क्या कहते हैं, बोर, और इसलिए कहते हैं बोर पूजा, ठीक ना। तो यही है पीपल और बरगद। और एक आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रीय पंचाग यानी कि कैलेंडर, तब होगा आपका शक, शक शक, ठीक ना। वैसे राष्ट्रीय बहुत है, लेकिन उतना आपसे पूछा नहीं जाएगा, यही दो पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, ये राष्ट्रीय पंचाग यानी कि कैलेंडर, शक। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ध्यान रहे कि यहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके रखना है, ताकि नए अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले इस प्रश्न को करने से पहले एक बार आप सोच लीजिए, वीडियो को रोकिए, उसके बाद आप थोड़ा गौर से पढ़ें, उसके बाद आंसर करें। तो देखिए गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाएगा तो आयतन, आयतन मतलब हो गया वजन, ठीक ना, वजन में क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, आयतन वही रहेगा यानी कि स्थिर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? अगर आप ज्वेलरी दुकान में जाते हैं सोना खरीदने के लिए तो आप उसकी शुद्धता की पहचान कैसे कर सकते हैं? वो कितने कैरेट का होना चाहिए? तो 24 कैरेट का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। वहाँ पे 3D हॉलमार्क आप देख के खरीदिएगा ना, तो आपको डुप्लीकेट नहीं मिलेगा। वैसे आपको बता दें कि 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है, लेकिन 22 कैरेट सोने में 22 भाग सोना और 2 भाग अन्य अशुद्धियों शामिल होता है, ठीक ना, सॉरी यहाँ पे 24 होगा। 24 कैरेट सोना में जो है 22 भाग सोना और 2 भाग अशुद्धियाँ वाला शामिल होता है। तो ध्यान रखिएगा, शुद्ध सोना कुल मिलाकर कितना होता है? 24 कैरेट का। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था? यानी कि कौन सा प्राणी को सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था? स्पेस, अंतरिक्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पेस। तो यह होगा आपका कुत्ता। ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले अंतरिक्ष में कुत्ता को भेजा गया था। डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि उस कुत्ता का क्या नाम था जो सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था? उसका नाम था लाइका, ठीक ना, क्या नाम था? लाइका, कुत्ता का नाम था। कब भेजा गया था? 3 नवंबर 1957 को। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, अंग्रेजों के द्वारा पारित किए गए किस कानून के कारण रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से अपना राज्य हार गई थी? यह होगा आपका व्यापगत का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब होगा। तो देखिए व्यापगत का सिद्धांत के अनुसार परिवार के शासन को बनाए रखने के लिए एक राजकीय शासक के रूप में परिवार के उत्तराधिकारी का ना होना आवश्यक था। उत्तराधिकारी मतलब समझ रहे हैं, जैसे एक राजा है कोई भी राज्य का या फिर कहीं का भी, उस राजा का अगर बच्चा यानी कि उसका बेटा या फिर बेटी कोई भी ना हो ना, तो उसी को कहते हैं व्यापगत का सिद्धांत, ठीक ना। उत्तराधिकारी मतलब राजा का बच्चा, उसका मतलब वंश नहीं हो, उसे कहेंगे व्यापगत का सिद्धांत। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सिरका का मुख्य घटक क्या है? सिरका का मुख्य घटक होगा एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा। तो देखिए एसिटिक अम्ल को कौन सा अम्ल के नाम से जाना जाता है? एथेनोइक, ठीक ना। और यह एक कार्बनिक अम्ल है जिसकी वजह से सिरका में खट्टा स्वाद और तीखी खुशबू आती है। सिरका को आप जब देखिएगा ना, उसको करीब लाइएगा तो यह खट्टा स्वाद में होता है, लेकिन वहाँ से आपको तीखी खुशबू भी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दुनिया की छत के रूप में किसे जाना जाता है? Which is known as the roof of the world? Which is known as the roof of the world? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पामीर पर्वत। तो देखिए दुनिया की छत के रूप में पामीर पर्वत को जाना जाता है। और पामीर पर्वत है कहाँ? ये मध्य एशिया में स्थित है और ये एक प्रमुख पठार एवं पर्वत श्रृंखला है। और ये है कहाँ? चीन में है, ठीक ना। और चीन में इसे क्या कहा जाता है? पामीर पर्वत को चीन में क्या कहा जाता है? कोंगलिंग, ठीक ना, कोंगलिंग। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी बीमारी विटामिन सी की कमी के कारण होती है? घबराने का नहीं है, यहाँ पे विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा। कुछ और विटामिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, इसको आप जरूर ध्यान कर लीजिएगा। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? अंधापन, जिसे आप ब्लाइंडनेस कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में जो नहीं दिखता है, उसे विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ठीक ना। विटामिन ए को वैज्ञानिक नाम क्या रखा गया है? रेटिनॉल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। और विटामिन डी को वैज्ञानिक रूप में क्या नाम दिया गया है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग, जो कि आपके प्रश्न में पूछा गया था। और विटामिन सी को कौन सा अम्ल कहा जाता है? यानी कि विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और घेघा रोग जो होता है ना, महिला को देखिएगा या फिर पुरुष को, यहाँ गर्दन के ऊपर, गर्दन पर जो है थोड़ा सा ये दाढ़ी होता है ना, उसके नीचे जो है घुट्टी टाइप का हो जाता है, उसे कहते हैं घेंघा रोग। और ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। वैसे आपको पता है आयोडीन जो है नमक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, फ्लेमिंगो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? फ्लेमिंगो त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में फ्लेमिंगो त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार में पर्यटन को बढ़ावा देना, संगीत, भोजन शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट को किसी राज्य में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी घोषित करने का अधिकार दिया गया है? वैसे राष्ट्रपति के पास कुल मिलाकर 3 इमरजेंसी घोषणा करने की संविधान में प्रावधान है, लेकिन आपसे पूछा गया है कि राज्य में आपातकाल घोषित करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में है, तब होगा 356 ऑप्शन नंबर बी। और ये भी है 352, 60, ये 352, 356, 360, इन तीनों के तहत जो है आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे ध्यान रखना है, राज्य में आपातकाल की घोषणा 356 के तहत की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आता है? भारत का जो है संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है? अनुच्छेद 48 यानी कि 48, ऑप्शन नंबर बी। और आपको ये ध्यान रखना है कि संविधान का अनुच्छेद 48 क्या कहता है? गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं यानी कि जो भी पशु धरती पर है जो कि दूध देती है, उन पशुओं और पशुपालकों के वध पर यानी कि उसको मारने पर रोक लगाने के लिए अनुच्छेद 48 कहता है। और आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करना, यह अनुच्छेद 48 कहता है। और आपको पता होगा कि गांधी जी जो है वैसे ये लड़ाई झगड़ा से बहुत दूर रहा करने की कोशिश करते थे। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आपके स्क्रीन पर, नंदा देवी शिखर किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? नंदा देवी शिखर इज अ पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज? तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गढ़वाल पर्वत। गढ़वाल माउंटेन जो है, नंदा देवी शिखर जो है इसी का एक भाग है। आपको बता दें कि नंदा देवी शिखर गढ़वाल पर्वत का एक हिस्सा है और यह भारत की दूसरी सबसे उच्चतम पर्वत श्रृंखला है, ठीक ना, यानी कि शिखर है। और आपसे ये पूछा जाए अगर कि भारत की सबसे उच्चतम पर्वत कौन है, तब होगा आपका केटू। केटू का दूसरा नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। और गॉडविन ऑस्टिन पर्वत जो है ना, समुद्र से 7,816 मीटर ऊंचा है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? देखिए नंदा देवी एक पर्वत है यानी कि पहाड़, उसी के नाम पर एक नेशनल पार्क जहां की बाघ, हाथी, ये सब जो बड़ा बड़ा पशु होता है उनको रखा गया है नंदा देवी में। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है? ये उत्तराखंड राज्य में है, ठीक ना। वैसे आप बताइएगा कि बिहार के मुंगेर जिला में जो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य, उसका क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो देखें कितना नॉलेज है आपके पास। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड को जो है जीटी रोड भी कहा जाता है। जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? याद आया? बिहार का जिला रोहतास, सासाराम। यानी कि मैं कहना यह चाह रहा हूं कि ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय शेर शाह सूरी को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। और मैंने आपको कई बार बता चुका हूं मेरे भाई, शेर शाह सूरी का मुख्यालय, शेर शाह सूरी का क्या बोलते रहे, समाधि स्थल, मतलब इसका जो है मृत्यु होने के बाद इसे कहाँ दफनाया गया था? बिहार के सासाराम में। सासाराम कहाँ है? रोहतास जिले में है। और ग्रैंड ट्रंक रोड पुराने समय में कौन सा नाम से जाना जाता था? सड़क ए आजम। और ये कहाँ से शुरू होता है? बांग्लादेश के चट्टगांव से प्रारंभ होता है और पाकिस्तान के लाहौर से होते हुए अफगानिस्तान में काबुल तक जाती है। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल। और काबुल एक नदी का नाम है, उसी नदी के नाम पर यहाँ के जगह का ही नाम रख दिया गया है काबुल। और अफगानिस्तान की राजधानी भी है काबुल। इसी के साथ 25 क्वेश्चन आपका कंप्लीट। एक प्रश्न आपके लिए है, बहुत आसान है, आप बताइएगा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है यानी कि बीसीसीआई। वैसे मैं जानता हूँ कि भारत में सबसे ज़्यादा युवा जो है लड़के लोग क्रिकेट के फैन हैं। आप लोग ये बताइएगा कि बीसीसीआई का हेड क्वार्टर भारत में कहाँ है। इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अंत में वही कहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर अच्छी ना लगे हो तो डिसलाइक करना। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ना पसंद हुआ हो तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को क्यों पसंद नहीं हुआ और आप लोग क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और शेयर अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तब तक बड़ों को नमस्ते, छोटे को प्यार, छोटी सी जिंदगी में खुश रहो यार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।